हेलो गाइस वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर वेल सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बॉटम हॉल फ्रॉम मीशो इन अफोर्डेबल प्राइस जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्कर्ट कार्गो जींस स्ट्रेट जींस ट्राउजर मींस डेली बेस पे जो भी बॉटम्स हम वियर करना पसंद करते हैं सब कुछ आपको मिलने वाला है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी बिकॉज बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक बॉटम हॉल आपके साथ शेयर कर दिया लेकिन मीशो पे अब नया कलेक्शन एड हुआ है और जैसे ये सब मैंने देखा ना इतनी अच्छी अच्छी कार्गो जीन्स स्ट्रेट जीन्स थी सो मैंने सोचा भाई एक हॉल तो बनता है बॉस सो इसलिए आज मैं आपके लिए न्यू कलेक्शन लेके आई हूँ मीशो से वो भी अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी अच्छी कार्गो जींस थी ना जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड करी और अगर आप ये अदर वेबसाइट से बाय करोगे तो आपको आराम से पंद्रह सौ दो हजार या पच्चीस सौ रुपए पे करना पड़ेगा लेकिन मैंने सब कुछ बाय किया है अंडर एट या नाइन हंड्रेड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है। चैनल पे हैं चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना बिकॉज फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब मैं आपके साथ फेस्टिव एंड वेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे हॉल शेयर करने वाली हूँ इसलिए मैं नहीं चाहती आप उन वीडियो को मिस करें और जल्दी से दो लाख हो जाएंगे तो हमारा एक बड़ा सा गिव अवे होने वाला है इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना आपको सबसे अच्छा बॉटम कौन सा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर कोई डाउट है तो भी आप कॉमेंट कर सकते हो नाउ लेट्स लेटेन दीडियो तो चलिए शुरू करते फर्स्ट so, मैं स्टार्ट करती हूँ कार्गो जीन्स जितनी भी कार्गो जीन्स या पैंट है पहले मैं वो शेयर करूंगी उसके बाद फिर हम स्कर्ट या ट्राउजर पे जाएंगे अरे वाह गुड आइडिया तो so, सबसे पहले प्रोडक्ट है जो स्काई ब्लू में सिक्स पॉकेट कार्गो जीन्स है अब देखते हैं साइज कैसा है फिटिंग एंड इसकी क्वालिटी कैसी आई मैंने 32 साइज ही बाय किया था मुझे 32 ही रिसीव हुआ है ये जी ब्रांड से और इसके ऊपर जो प्राइस है ना 1365 है अगर हम ये मॉल से बाय करेंगे तो हमें सेम प्राइस पे ही बाय करना पड़ेगा मे बी आपको टेन या ट्वेंटी का डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन हमने यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्काउंट के साथ बाय किया है देखो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है बिल्कुल एच एन जारा वाला लुक मिल रहा है यहाँ से भी क्वालिटी काफी अच्छी दोनों पॉकेट है इसके यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाएगा बिल्कुल कार्गो वाला लुक मिलने वाला है फैब्रिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी बट स्ट्रेचेबल नहीं है ये डेनिम ब्लैंड है जो की कॉटन एंड डेनिम का मिक्सर होता है सो so क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है बिल्कुल न्यू एंड अच्छी क्वालिटी के साथ हमें डेनिम या कार्गो जींस रिसीव हुआ है ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक बैक में भी हमें दो पॉकेट मिल जाएंगे अब मैं इसे पहन के देखती हूँ उसके बाद इसके फिटिंग एंड कंफर्टेबल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी माय गॉड, फिट वाइज बिल्कुल परफेक्ट है एंड आप इसका लुक देखिए अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गई थी मैंने ब्लू लाइन पे मेट्रो में एक लड़की को ऐसी जीन्स वियर करी हुई दिखा था मुझे डिट्टो जीन्स मिल गई मीशो पे और इसका प्राइस सिर्फ सिक्स हंड्रेड एटी फोर रुपीज मैंने थर्टी टू में बाय किया अभी इसका करेंट प्राइस है सिक्स हंड्रेड एटी फोर रुपीज जो की बिल्कुल जेनविन है आपको इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा एंड इसमें आपको ट्वेंटी लेके थर्टी फोर साइज मिल जाएंगे मैंने थर्टी टू बाई किया और मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है हल्का सा वेस्ट से थोड़ा सा खुला खुला है बट ये स्ट्रेचेबल नहीं उसके ही है उसके अकॉर्डिंग काफी कंफर्टेबल है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अब अनपैक करते हैं नेक्स्ट जीन्स ये भी डेनिम ही है मैंने टोटल थ्री जीन्स बाय किए एक कार्गो में है एक स्ट्रेट जीन्स है बट ये कुछ इस तरीके से है इसमें पूरे पे आपको व्हाइट में हार्ट का प्रिंट मिल जाएगा और ऐसी प्रिंटेड जीन्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है डिफरेंट प्रिंट डिजाइन के साथ में और ये मैंने थर्टी टू साइज में बाय किया जो की एकदम सही डिलीवर हुआ है एम की जीन्स ब्रांड से है क्वालिटी एकदम सुपर बाया है फैब्रिक डेनिम ब्लेंड है बट स्ट्रेचेबल नहीं है लेकिन आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं स्टिचिंग फिनिशिंग देख सकते हैं फ्रंट का लुक हमें इस तरीके से मिलेगा ये यहाँ पे इसकी बटन है बटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बिल्कुल भी लूज नहीं है और उसके बाद आपको इस तरीके से ये प्रिंट डिजाइन मिल जाएगा दोनों ही लेग पे ये इसका बैक लुक है और इसमें फोर पॉकेट हैं जो जींस मैंने अभी पहन रखा है ना ये वाला जीन्स इसकी हाइट काफी अच्छी है मुझे थोड़ा सा लॉन्गर है बट लास्ट जो हाइट है ना वो इसकी फाइव फोर है अगर आपकी हाइट फाइव फाइव है या उससे ज्यादा है तो मे भी थोड़ा सा वो उठा उठा रह सकता है इसकी लेंथ कितनी है वो पहनने के बाद पता चलेगा जब से मैंने इसे बाय किया था ना एंड अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसे रिटर्न कर दूंगी लेकिन जैसे ही मैंने पहना इसको आप देख सकते हैं बेशक वो वाली जो जीन्स है वो स्टाइलिश है लेकिन इसका लुक बहुत ही आई कैचिंग है काफी स्टाइलिश एंड यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है और ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है सो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो बिकॉज जो फिटिंग एंड स्ट्रेट लुक मिल रहा है ना कहीं से भी बल्कि नहीं लग रहा है ना वेस्ट से बल्कि है बिल्कुल परफेक्टली शेप में आ रहा है एंड फिट आ रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे कबड्ड में जरूर होनी चाहिए और इसका प्राइस है सेवन हंड्रेड इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एक ये लाइट स्काई ब्लू कलर में है और दूसरा ब्लू कलर में है रॉयल ब्लू कलर में सो so आपको जो परचेज करना है आप वो बाय कर सकते हो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 26 से लेके 34 साइज मिल जाएंगे एंड नेक्स्ट जीन्स है ये ये भी ब्लू कलर में है बट पहले वाले से डिफरेंट है देखते हैं कैसी आई है और ये है मेलेक स्टोर से थर्टी टू साइज आया है और ये है जींस का पूरा लुक साइड में हमें दो एक्स्ट्रा पॉकेट मिलेंगे मीन्स ये टोटल एट पॉकेट पैंट है वन जो पॉकेट है आपको इस तरीके से मिल जाएगा और जो लोअर पॉकेट है उसमें आपको इस तरीके से चेन की डिटेलिंग मिल जाएगा इस तरीके के जीन्स मीशो पे मिल जाना ये बहुत अच्छा लक है मेरा और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आया है सो so, फ्रंट से आपको इस तरीके से मिलेगा जैसे कि बाकी की जीन्स थी बैक का भी जो डिजाइन है वो बिल्कुल ऐसे डिटो सेम है पहले वाली जीन्स की तरह एंड ये थोड़ा सा बेल बॉटम स्टाइल में है क्योंकि इसका फ्लेयर काफी अच्छा है ये बहुत ही आई कैचिंग है सो so, पूरा स्ट्रेट लुक मिलेगा हमें इसकी लेंथ मुझे काफी अच्छी लग रही है चलिए पहन के देखते हैं आई कॉन्ट बिलीव फाइनली आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो आप खुद देखिए क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी डेनिम या ऐसी कार्गो जीन्स आपको मीशो से मिल सकती है अब बात करते हैं इसके प्राइस की प्राइस भी बहुत जेन्युअन है हाँ थोड़ा सा आपको 800 से ऊपर जाना पड़ेगा 828 हंड्रेड इसका प्राइस है फिर भी अनएक्सपेक्टेड इतने कम प्राइस में मुझे ये मिल जाएगा मैंने नहीं सोचा था अगर मैं इसे मॉल से लेती या किसी अदर साइड से लेती तो आराम से मुझे पच्चीस सौ रुपए पे करने पड़ते सो so, आप भी इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो तो मीशो का थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम रहता है आपको भी पता है so, सो इसलिए पहले मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ कि आप एक साइज बड़ा लेने का ट्राई करना बिकॉज मेरे को भी एम आता है प्रोबेबली लेकिन हर जीन्स में या हर ड्रेस में मैं एल लेने की कोशिश करती हूँ जो कुर्ता सेट होता है उसमें तो मैं एम ही बाई करती हूँ लार्ज या फिर थर्टी टू चूज करती हूँ ताकि मैं कंफर्टेबली उसे वियर कर पाऊं बैठने में भी प्रॉब्लम ना हो सो so, बिल्कुल परफेक्टली मैं इसे वियर कर सकती हूँ पूरा दिन वियर कर सकती हूँ बात करें अगर साइज की तो इसमें आपको ट्वेंटी सिक्स से लेकर थर्टी फोर साइज तक मिल जाएंगे लेंथ भी काफी अच्छी है अगर आपकी हाइट फाइव फाइव भी है तो भी आप इसे आराम से वियर कर सकते हो और अब हम स्टार्ट करते हैं स्कर्ट से जिसमें ऑलरेडी एक स्कर्ट मैंने अनपैक कर लिया ये ग्रे कलर में है लाइक्रा फैब्रिक है एंड ये काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है जिससे बॉडी में परफेक्टली शेप में आ जाता है बहुत ही कंफर्टेबल है स्ट्रेचेबल मटेरियल है और इसमें टैग भी ये मैंने 32 साइज में ही बाय किया है अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे देखो काफी स्ट्रेचेबल और पेंसिल कट में है काफी लेंदी है और साइड से इस तरीके से स्लिट भी मिल जाएगा पिक में स्लिट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट स्लिट मिलेगा तो ज्यादा आपकी टांग नहीं नजर आएगी बेस्ट थिंग कि आप इसे वकेशनली फॉर्मली कैजुअली, जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं मीन ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी मीटिंग में या जो नॉर्मली ड्रेस आप वियर करते हैं वकेशन पे भी वेयर कर सकते हैं कहीं घूमने जा रहे हैं और डेली घर पे भी वेयर कर सकते हैं बहुत ही कम्फर्टेबल है देखो यहाँ से अगर देखोगे ना इतना ज़्यादा स्ट्रेच करता है इसका मटीरियल और बेस्ट थिंग कि यहाँ से आप देखिए इस तरीके से स्टिच किया गया है कि यहां से बल्की नहीं लगता जैसे स्कर्ट पहनते हैं तो शेप वियर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको वियर करने के बाद साइड में इन्होंने ये चेन भी दे रखा है ताकि आप आराम से इसको ओपन करके वेर कर सको यहाँ पे बटन एंड लूप भी दिया हुआ है पहले हम इसे बटन से लॉक कर देंगे उसके बाद हम चेन को ऊपर चढ़ा लेंगे सो परफेक्टली शेप में आ जाता है आप इसका पूरा लुक देख सकते हो मैंने ऑलरेडी स्टाइल कर लिया इसी शर्ट के साथ में काफी अच्छा लुक मिल रहा है ब्लैक शर्ट के साथ भी विये किया था शॉर्ट नहीं है ताकि आपको ऑफवर्ड ना लगे कहीं भी पहन के जा सके एंड बेस्ट थिंग कि आप इसे शेप वियर आई I मीन mean, पेटीकोड की तरह भी वियर कर सकते हो तो इसका प्राइस है टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन रुपीज बिल्कुल जेनवन है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड लुक इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएगा एक ब्लैक कलर में एक एक ग्रे कलर में है तो जो भी आपको परचेज करना है आप वो बाय कर सकते हो ट्वेंटी सिक्स से लेकर थर्टी फोर साइज मिल जाए नाव ये एक डेनिम स्कर्ट है जो कि शायद ब्लैक कलर में है या डार्क ब्लू कलर में है यस yes, ये ब्लैक कलर में ही है और ये मुझे एक्सल साइज में डिलीवर हुआ है इसमें से थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है बट खैर लुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका ये इसका फ्रंट लुक है आजकल ऐसी डैनिम जीन्स बहुत चल रही है ना ये फैब्रिक इसका डैनिम है बट बिल्कुल भी स्ट्रेचबल नहीं है हल्का हल्का ऐसे आपको दिख रहा होगा बट स्ट्रेच नहीं कर रहा है बैक में इन्होंने इलास्टिक दे रखा है ताकि पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो और फ्रंट से ये पूरा ही ओपन होता है सो so, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसे पूरा बटन यहाँ तक ओपन करके एंड देन वियर कर सकते हो और ये पूरा मिड लेंथ की स्कर्ट है जिसके एकदम बॉटम तक लाइन तक आपको इस तरीके से बटन डिटेलिंग मिल जाएगा बस यहाँ पर नहीं है यहाँ पे ऐसे साइड से स्लिट वाला आई मीन मिड से स्लिट वाला कट मिल जाएगा दोनों तरफ ये हमें पॉकेट मिल जाएंगे यहां से डिजाइन है बट साइड से पॉकेट दिया हुआ है तो ऐसा लग रहा है ये पॉकेट कवर है बट पॉकेट यहाँ से स्टार्ट होता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए इन्होंने क्रिएट कर रखा है बैक में भी हमें इस तरीके से दो पॉकेट मिल जाएगा तो चलिए स्टाइल करके देखते हैं उसके बाद आपको इसकी लेंथ का लुक का देख लेना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आएगा भी या नहीं आएगा क्योंकि वहां पे एक्सल दिया था स्टिकर लगा था बट यहाँ पे साइज मेंशन नहीं कर रखा यहाँ पे टू लिखा हुआ है टू मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता मुझे ऐसा लग ही रहा था कि इसके साइज में कोई ना कोई पंगा आएगा ही और आप देख सकते हैं कि काफी स्मॉल साइज में मुझे रिसीव हुआ है बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है काफी खींच के मुझे बटन को क्लोज करना पड़ा इसका लुक तो काफी ट्रेंडी है आजकल ऐसी जो कार्गो जींस चल रही है ना बहुत ही अच्छी लगती है सो आप भी इसे परचेज कर सकते हो आपके लुक को एनहस करेगा फैशन को लेकिन आपको एक साइज बड़ा लेना पड़ेगा मैंने थर्टी ही ऑर्डर किया था एंड पैकेट पे एक्सेल का स्टीकर था लेकिन आया मुझे दो नंबर आई कैन से एम आई थिंक एम ही होगा दो नंबर तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा टाइट पड़ रहा है मैं भी इसे एक्सचेंज करने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें आपको ट्वेंटी एट से लेकर साइज मिल जाएंगे हंड्रेड थर्टी एट रुपीज पूरा लुक आप साइड में देख सकते हो मैंने जबरदस्ती पहन रखा है इसको पहन के बैठना उठना बहुत ही मुश्किल है हाँ अगर एक साइज बड़ा होगा तब आप इसे कंफर्टेबली वियर कर सकते हैं एंड ये जो पैकेट है इसके अंदर दो डेनिम स्कर्ट है एक शॉर्ट लेंथ में या मिड लेंथ में और एक फुल लेंथ में सो देखते हैं दोनों कैसी आई है ये दो कलर में हो और ये सिंगल डार्क ब्लू कलर है ये जो अभी वाला ब्लैक कलर था ना थोड़ा थोड़ा उसके जैसी ही है और सेम लेंथ में है ये मिड लेंथ की स्कर्ट है और ये देखो फ्रंट से वैसा ही लुक है बस इसके अंदर आई I मीन mean, इसमें पॉकेट नहीं दिया है साइड में फैब्रिक इसका काफी स्ट्रेचेबल है ये देखो काफी अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है और यहां से सेम लुक मिलेगा यहाँ पे बेल्ट वाला लुक है और बैक में इन्होंने इलास्टिक दे रखा है और फ्रंट में इस तरीके से बटन डिटेलिंग मिल जाएगा ये पूरा ही बटन ओपन होता है मीन्स आप मिड से स्लिट रख सकते हो आपको शॉर्ट रखना है लॉन्ग यहां तक बटन को ओपन करना है आप जैसे चाहे वैसे स्टाइल कर सकते हैं सो चलिए अब इसे पहन के देखते हैं बिकॉज फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी बट थोड़ा सा थिन फैब्रिक है जो ब्लैक वाला था उसका थोड़ा थिक फैब्रिक था बट इसका बेनिफिट ये है कि थिन एंड लाइट वेटेड फैब्रिक है तो आप किसी भी सीजन में आराम से वे कर सकते हो चलिए अभी इसे स्टाइल करते हैं वैसे तो इसके लुक में कोई डिफरेंस नहीं है एक नॉर्मल सी डेनिम स्कर्ट है बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई स्ट्रेचेबल भी है और समय एंड मॉनसून में आप आराम से स्टाइल कर सकते हो लेंथ काल्फ में है और साइड से पूरा बटन ओपन हो जाता है तो अपने अकॉर्डिंग आप ओपन या क्लोज कर सकते हो थोड़ा सा मुझे वेस्ट से टाइट हो रहा है इसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा खींच रहा है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है साइज बिल्कुल परफेक्ट है थर्टी टू में इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एक के डार्क ब्लू में है और एक लाइट आई मीन स्काई ब्लू कलर में है और इसका प्राइस है टू हंड्रेड थर्टी नाइन रुपीज आपको टू फिफ्टी में ये स्कर्ट मिल रही है जिससे आप फॉर्मली, ऑफिशियली, वो जैसे वैसे एक बड़ा लेना बट फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो आप खींच अपना साइज भी एडजस्ट कर सकते हो एंड नाउ नेक्स्ट स्कर्ट है ये वो मैंने एल साइज में बाय किया था ये मुझे थर्टी टू साइज में रिसीव हुआ है ये भी एल में ही आता है और ये दो कलर में है Look तो इसका पहली वाली स्कर्ट की तरह ही इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा मैंने सोचा था फुल लेंथ में बट ये काल्फ लेंथ में है और डिटो सेम डिजाइन में है दोनों तरफ साइड में हमें ये डार्क ब्लू कलर अटैच मिल जाएगा ये भी लाइट वेटेड एंड थिन फैब्रिक है ताकि आप किसी भी सीजन में आराम से वियर कर सको थोड़ा सा स्ट्रेच भी करता है यहाँ पर अगर देखे वेस्ट में तो ये बेल्ट वाला लुक मिलेगा लूप भी दिया हुआ है ताकि आप बेल्ट भी वियर कर सको बैक में इन्होंने इलास्टिक को अटैच कर रखा है 32 साइज एकदम परफेक्टली डिलीवर हुआ है मिड में हमें इस तरीके से बटन डिटेलिंग मिल जाएगी और नीचे यहाँ बॉटम में स्लिट भी है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज कर सकते हो सो so, थोड़ा सा डिफरेंट स्कर्ट आया है बैक में हमें कोई अलग से आई I मीन mean, जो फ्रंट वाला लुक है वैसा देखने को नहीं मिलेगा बैक से पूरा स्कर्ट इस तरीके से प्लेन मिलने वाला है तो चलिए पहनकर देखते हैं उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी फिटिंग कैसी है वाओ दिस इज अनएक्सपेक्टेड इसका फिट इसका लुक एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड अगर आप प्राइस सुनेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे सिर्फ टू हंड्रेड फोर रुपीज में आपको ये टू कलर की स्कर्ट मिल जाएगी जो कि बहुत ही ट्रेंडी तो है ही फैशनेबल भी लग रही है एंड ट्रस्ट मी गाइज ऐसी सेम स्कर्ट मुझे मिंत्रा या आर्बेनिक आई थिंक सवाना पे दिखी थी जिसका प्राइस था अलेवन हंड्रेड रुपीज हमें यहाँ पे तीन सौ रुपए में इतनी क्लासी एंड ट्रेंडी स्कर्ट मिल रही है जिससे आप बीच पे या कहीं भी ट्रैवल वकेशन पे जा रहे हो तो आप आराम से स्टाइल कर सकते हो किसी भी शर्ट या टैंक टॉप के साथ एंड बेस्ट थिंग कि इसमें आपको फाइव कलर ऑप्शन मिल जाएंगे सो so, जो आपको परचेज करना आप वो चूज कर सकते हो इसका प्राइस मैंने बता दिया इसमें आपको ट्वेंटी एट से लेकर थर्टी एट साइज अवेलेबल मिल जाएंगे लुक आप साइड में देख सकते हैं वेस्ट से भी बिल्कुल परफेक्ट है अभी मैं पहन के बैठी हूँ और बहुत ही कंफर्टेबल है सो so, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज करना ना करना वो आपकी मर्जी और अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राउजर से मेरी इस वाली आइज ना यहाँ पे आप देख सकते हो बम्प निकला हुआ है बहुत ही बड़ा है और जैसे मैं इसे टच करी ना बहुत ही पेन कर रहा है अभी मैंने ये आप देख सकते हैं काला काला ये मैंने काजल को ही नेचुरल काजल है घर पे बना हुआ उसको ही हल्का सा ऐसे कर लिया है ताकि दिखाई ना दे और मॉर्निंग में तो मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी पूरा ये वाला एरिया स्वेल कर गया था अभी तो काफी सही है देखते हैं कब तक ठीक होगा ये और अब हम यहाँ पे अनबॉक्स कर रहे हैं आई मीन अनपैक कर रहे हैं ये ट्राउजर जो कि ब्लैक कलर में और ये काफी यूनिक है इस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीशो पे मुझे मिल जाएगा बट देखते हैं कि सेम आ है है so, ये डिटो सेम आया और अगर बात करें की बहुत ही है। यहां पे में जैसा पॉकेट दिखाया गया था वैसा सेम पॉकेट हमें मिल रहा है इसका फैब्रिक तो पॉलिस्टर है बट शायद ये स्ट्रेचेबल है हाँ ये काफी स्ट्रेच कर रहा है क्योंकि इसमें लाइक्रा भी मिक्सचर है एंड इसके वेस्ट में हमें स्ट्रेचेबल इलास्टिक मिल जाएगा वैसे इन्होंने ये लॉक करने के लिए एक्स्ट्रा ये हुप या लुप जो भी बोलते हैं वो दे रखा है इन्होंने सो so, अपने अकॉर्डिंग आप इसे लूज या टाइट कर सकते हो लेंदी भी है एंड देखो यहां से आप चाहो तो इसे बेल बॉटम की तरह वियर कर सकते हो अगर आपको इसको ऐसे वो नैरो वाली ट्राउजर बनाना है ना कुछ इस तरीके का कार्गो लुक देना है तो आप इसे खींच के और इसे आप इस तरीके से चूड़िया बना के एडजस्ट कर सकते हो तो बिल्कुल ऐसे एंकल में नैरो लुक प्रोवाइड करेगा या आप चाहें तो इसे फ्रीली ऐसे वियर कर सकते हो तो एक प्लाजो ट्राउजर या बेल बॉटम वाला लुक मिल सकता है ये प्रोडक्ट तो अनएक्सपेक्टेड है एंड मस्ट हैव है आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं साइड में भी दोनों तरफ हमें पॉकेट मिल जाएगा इसे आप जैसे भी स्टाइल करेंगे ना आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा एंड जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आजकल ऐसे ही ट्राउजर को ज्यादातर वियर कर और मुझे भी एक ऐसा चाहिए था मैंने मॉल में देखा था तो 1800 का कुछ दे रहा था और मुझे स्टाइलिश दिखना अच्छा लगता है बट पैसे मैं खर्च करने में बहुत कतराती हूँ तो मैंने कहा नहीं मैं पहले मीशो पे सर्च करूंगी तो उसके बाद अगर नहीं मिला तो मैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट सर्च करूंगी उसके बाद ही मैं बाय करूंगी और फाइनली ये मुझे मिल गया मीशो पे मैंने अब तक इसकी जितनी तारीफ की है ना टोटली वर्थ इट है मैंने इसे इस तरीके से थ्री पीस ड्रेस में स्टाइल किया है बहुत ही कंफर्टेबल है मैं भी पहन के सॉरी मैं भी पहनकर बैठी हूँ और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है आप इसे घर पे भी वियर कर सकते हो बाहर भी अगर आप ऑफिस कॉलेज के लिए यूज कर रहे हो आई मीन वियर कर रहे हो तो भी आप आराम से स्टाइल कर सकते हो किसी भी टैंक टॉप या क्रॉप टॉप के साथ या आप वोकेशन पे कहीं बाहर जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आप आराम से इसे स्टाइल कर सकते हो स्पेशली अगर आप एयरपोर्ट लुक क्रिएट कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा एंड इसका प्राइस सिर्फ थ्री हंड्रेड टेन रुपीज दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड मीशो पे मिल गया इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी आप पूरा इसका लुक देख सकते हो साइड में इसमें आपको स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सल साइज़ मिल जाएगा तो प्लस साइज भी अवेलेबल है आपको अपना बिल्कुल परफेक्ट साइज चूज़ करना है बिकॉज जो इलास्टिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है सो so, पूरा लुक आप साइड में देख सकते हो परचेज करना ना करना वो आपकी चॉइस है एंड इसमें एक ही कलर ऑप्शन है और इस बार सारे ही बॉटम मैंने यूनिक बाय किए हैं नेक्स्ट है ये ट्राउज़र जो कि बिज कलर में है क्रीम कलर में है इसका इस स्टाइल कैसा है थोड़ा ना लूज ट्राउज़र है तो so, कंफर्टेबल हो कि आप इसे ऑफिस कॉलेज के लिए स्टाइल कर सकते हो और ब्लैक शर्ट के साथ वियर करोगे एक मिनट मैं इसे पहले ऑप्शन ही कर लेती हूँ या अगर आप ब्लैक शर्ट के साथ व्यय करोगे तो काफ़ी प्रोफेशनली लुक मिलने वाला है जिस तरीके से दिखाया गया था वैसा तो नहीं आया लेकिन हाँ अगर आप डेली ऑफिस कॉलेज जाते हो आपको शर्ट आई मीन प्रोफेशनल लुक करना पड़ता है तो आप इसे परचेज कर सकते हो क्वालिटी अच्छी है स्ट्रेट पैंट है जैसे हम पैंट स्टिच करवाते हैं ना या जैसे मैन पैंट व्यय करते हैं डुटो वैसा पैंट है और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है पॉलिस्टर फैब्रिक है सेंटर में बटन एंड चेन है साइड में दो पॉकेट हैं, बैक का लुक कुछ इस तरीके से है एंड ये इसका स्ट्रेट पूरा लुक है लेंथ तो काफी अच्छी है जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे बिल्कुल ओके ओके प्रोडक्ट लगा जैसे नॉर्मल पैंट होती है मैन या वुमेन वियर करते लेकिन जब मैंने इसे वियर किया आप इसका लुक देख सकते हो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एक पैंट तो हम सबके पास होनी चाहिए कोई ऑफिस मीटिंग है कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो या कॉलेज में कोई फंक्शन या इवेंट है देन आप डेफिनेटली इसे स्टाइल कर सकते हो एंड ब्लैक शर्ट के साथ ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही है क्वालिटी तो अच्छी है ही लेकिन जो स्ट्रेट फिट लुक मिल रहा है ना आप वो खुद देख सकते हैं कि आप इसे किसी भी टॉप या शर्ट के साथ स्टाइल करेंगे तो काफी अच्छा लुक मिलने वाला है बिल्कुल प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल लुक एंड अगर प्राइस की बात करेंगे आप फोर हंड्रेड सॉरी फाइव हंड्रेड फोर्टी एट रुपीज़ तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओके अगर आप यही पैंट किसी अदर साइड से या ऑफलाइन भी बाय करेंगे तो आराम से आपको वन थाउजेंड या अलेवन हंड्रेड पे करना पड़ेगा एंड इसमें आपको ट्वेंटी एट से लेके ही थर्टी फोर साइज मिल जाएंगे मैंने थर्टी टू बाय किया है एंड आप फिटिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नाउ ये जो पैकेट है इसके अंदर दो ट्राउज़र हैं और ये दोनों कॉम्बो में मिल रहे थे मुझे तो पहले हम अनपैक कर दो उसके बाद मैं प्राइस डिस्कस करूँगी एक थोड़ा तो सा पर्पल शेड में जा रहा है और ये थोड़ा ब्राउन कलर में है ब्राउन या खाकी कलर में है ऐसा मेरे पास ऑलरेडी ट्राउजर है आई मीन सेम फैब्रिक में और ये लाइक्रा फैब्रिक है इसके फ्रंट से हमें इस तरीके का लुक मिल रहा है क्योंकि काफी यूनिक एंड डिफरेंट है यहाँ पे दो ऐसे बटन डिटेलिंग मिल जाएगा कोई चैन या पॉकेट नहीं दिख रहा मुझे या साइड में भी पॉकेट नहीं है और ना ही इसमें कोई चैन है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो आपको ऐसे ही इसे ट्राउजर या पजामे की तरह भी ये करना है फ्लेयर तो ठीक है बट इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है लास्ट इसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा फाइव फोर है तो अगर आपकी हाइट फाइव फाइव है तो ये आपके लिए वेस्ट है क्योंकि वो फिर टंगा टंगा ऊपर का रहेगा जिनकी हाइट फाइव फोर से नीचे है वो इन्हें स्टाइल कर सकते हैं और काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करेंगे साइड में मैंने पूरा लुक अटैच कर दिया दोनों मैंने ट्राई करके देखा एंड दोनों में से ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है बट इतना खास नहीं लग रहा एक तो इसके अंदर पॉकेट नहीं है इट्स ओके लुक थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत अच्छे क्वालिटी में नहीं आया बिकॉज बात करें अगर हम इसके प्राइस की तो हमने कॉम्बो में बाय किया है जिसके अकॉर्डिंग वैसे भी हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और पर हमें पड़ेगा 300 में 300 के अकॉर्डिंग मुझे इतना खास नहीं लग रहा है बिकॉज मीशो पे ही इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं अंडर 300 या 250 में भी काफी अच्छे ट्राउजर अवेलेबल हैं हाँ बट दोनों अपने आप में डिफरेंस हैं बट ये नहीं कह सकते कि 300 में आपने बहुत बड़ा हाथ मारा है या आपको बहुत खराब प्रोडक्ट मिल गया ओके ओके प्रोडक्ट है आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं घर पे वियर कर सकते हैं बाहर भी स्टाइल कर सकते हैं और इसे आप ऑफिशियली भी यूज कर सकते आई मीन वियर कर सकते हैं so, सो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये था हमारा पूरा हॉल आई होप कि आपको पसंद आया होगा बिकॉज सारे ही बॉटम अपने आप में अलग थे सारे ही यूनिक डिजाइन में थे एंड अब मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करने वाली हूँ हर वीक बिकॉज बहुत लंबा गैप हो जाता है कोशिश करूंगी कि हर वीक एक नया हॉल लेके आऊँ सो so इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैलाइकन प्रेस कर लेना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से हमारे टू लैक हो जाए बिकॉज इसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सबसे अच्छा बॉटम कौन सा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना एंड थैंक्स टू वॉच बाय टेक केयर